हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ, ये देखिए। मैं आज आपको को पढ़ाने जा रही हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एन पढ़ा था। आज हम कौन सा लेटर सीखना है, मतलब आज हम कौन सा लेटर सीख रहे हैं, या मैं आज आपको कौन सा लेटर बता रही हूँ? तो आज मैं आपको ओ लेटर बताऊंगी। ओके, तो आज हम सीखेंगे ओ लेटर। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओ से कौन कौन से लेटर होते हैं। ऑक्टोपस, ये क्या होता है? एक तरह का जानवर होता है। इसके 8 लेग्स होते हैं, है ना? ये आपने, ये पानी के अंदर रहता है, आपने देखा होगा। ओके, अब देखिए, ये तो सबको पता है। ये देखिए, सब देखेंगे क्या है ये। ये तो सबको पता है, ये है ओ फॉर ऑरेंज। क्या है ये? ओ फॉर ऑरेंज। सब बच्चे देख रहे हो ना, ये क्या है? मेरे साथ बोलेंगे ए ओ फॉर ऑरेंज। ओके, अब देखिए ओ फॉर आउल। आउल यानी उल्लू। ये क्या है? ओ फॉर आउल। आउल यानी उल्लू। सब देख रहे हो? अब देखिए ओ फॉर ऑक्स। ऑक्स यानी क्या होता है? बैल। उसके अलावा देखो ओ से क्या होता है? ओ फॉर ऑयल होता है। ओ फॉर ऑनियन होता है, ऑनियन यानी प्याज। ऑयल होता है। ओ फॉर ओवन भी होता है, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं। तो ओ से काफी सारी स्पेलिंग होती है। अब मैं आपको ओ बनाना सिखाऊंगी, जो आपको मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि लाइन का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लाइन से बाहर निकालोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आप लाइन का विशेष ध्यान रखोगे। और ये जो एलकेजी वाले स्टूडेंट हैं, ये सारे मेरे बेटे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, और घर पे प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते, तो आपको मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से बार बार भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो को देख के, कि मैं कैसे बनाती हूँ वो लेटर जो मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, अलग अलग लेटर। तो वो आपको उसके बार बार लिखने की प्रैक्टिस करते करनी है। खेलो, आप खूब खेलो, छोटे वाले जो स्मॉल वाले छोटे छोटे बच्चे ना, एलकेजी वाले स्टूडेंट मेरे, लेकिन खेल के साथ स्टडी भी जरूरी है। स्टडी करना भी चाहिए। आप दिन में थोड़ी देर सारे बच्चे स्टडी करेंगे, मामा को परेशान नहीं करेंगे, अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कैपिटल ओ हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ से सिर्फ राउंड बनाना है, यानी गोल बनाना है। देखो, यहाँ से पेंसिल को उठाना नहीं है बिल्कुल भी। आपको फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक सीधे ऐसे बनाना है ओ। तो ये क्या बन गया? कैपिटल ओ, यानी आपको बड़ी जो आपकी कैपिटल जो एबीसीडी होती है उसका ये ओ है। अब देखिए फिर से मैं कैसे बना रही हूँ, ये देखिए, ये बन गया ओ, है ना? अब कौन सा है, फिर से बताती हूँ आपको। ये बन गया ओ, ये बन गया ओ, ये बन गया ओ। अब स्मॉल वाला बनाना है। तो देखिए, अब हम कौन सा बनाएंगे? स्मॉल वाला। तो ये बन गया, बीच वाली लाइन में आपको स्मॉल वाला ओ बनाना है। ये बन गया ओ, ये बन गया ओ। तो हमने आज तक कितने लेटर सीख लिए? आज तक हमने ए से लेकर ओ तक लेटर सारे सीख लिए हैं। इनको आप बार बार में इनका रिविजन करोगे। इनको ऐसे नहीं कि चलो ये तो आ गया छोड़ दिया, लेकिन आप कई बार क्या छोटे बच्चे हो तो उनको भूल जाते हो कि एन कैसे लिखना है, एन कैसे लिखना है, ओ कैसे लिखना है। तो हर दिन जब आप लिख रहे हो, आज आपने जैसे ओ लेटर सीखा, तो ओ लेटर सीखने से पहले जितने लेटर मैंने आपको सिखाए हैं, पहले नोटबुक के अंदर वो लिखोगे, उसके बाद में ओ बनाओगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो मैं ये चीज बताती हूँ आपको, ये कौन सा है कैपिटल और ये कौन सा है स्मॉल। तो आज आपने क्या सीखा? ओ लेटर बनाना सीखा, और अब इसको आप नोटबुक में लर्न करोगे और राइट करोगे। ओके, बाय।